souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast. We'll burn ourselves. So hey guys, welcome back to the channel again. Or काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि सभी हॉस्टल्स के बारे में वीडियो बनाओ, सारी चीज़ों के बारे में बताओ। तो क्या है कि आज हम कवर करने जा रहे हैं जो CFU का जो फिफ्थ हॉस्टल है उसके बी ब्लॉक को। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में, तो अगर आपने ए ब्लॉक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का, ये बटन मैंने प्रेस कर दिया है, लिफ्ट आती होगी। और क्या है कि आज जिन बंदों के वहाँ मैं जा रहा हूँ कमरे में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, उन्हें मैंने बताया नहीं हुआ है कि मैं आ रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है और गालियाँ वालियाँ ना पड़ जाए, संभल के थोड़ा चले। सो लिफ्ट खुल चुकी है और हम जा रहे हैं। कहाँ जाना है हमें? हमें जाना है फिफ्थ फ्लोर। सो लेट्स गो। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे शीशा वाली जगह है, दो लिफ्ट है यहाँ पे, तो इसमें शीशा नहीं लगा रखा है इन्होंने। बाकी जो दूसरा लिफ्ट है इसके साइड वाला, उसमें शीशा लगा है। तो ऐसे ही नॉक कर दिया हमने। नॉक करते हैं। क्या कर रहे हैं लौंडे? क्यों नहीं? अरे भाई सो गए थे क्या? भाई सो गए, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। गाने वाने चल रहे हैं, देख सकते हैं। हॉस्टल में टिपिकल हॉस्टल लाइफ यही होता है कि गाने वाने भाई आप अचानक से पढ़ते। अरे यार व्लॉगिंग करने आ गया था, डिस्टर्ब तो नहीं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं, कोई नहीं। अच्छा तो चलिए पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? हाँ अरे आप बैठ जाइए बिल्कुल। सो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमदा साजिद। अच्छा और कहाँ से हो आप? मैं पाकिस्तान से। अच्छा और कब आना हुआ आपका? मैं 11 जून को आया था भाई। 11 जून 2022। यहाँ किसी तरीके की तकलीफ? हाँ शुरू में तो दिक्कत होती है, आपको पता है। हाँ। कि जब इंसान कहीं नई जगह पे जाता है। हाँ। तो होता है मतलब मसले मसाइल, लेकिन यहाँ सीनियर भैया थे काफ़ी, मतलब हेल्प वगैरह उन्होंने की तो सब सेट। अच्छा अच्छा। और क्या है कि लोग कहते हैं, जो मैंने ए ब्लॉक पे भी वीडियो बनाई है, वहाँ मैं रहता भी हूँ, तो लोग कहते हैं कि बी ब्लॉक ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ए ब्लॉक, क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर मे बी किचन सेपरेट है हमारे रूम का, अच्छा इसलिए। और यहाँ पे सफाई वगैरह का ज़्यादा इंतजाम क्या रखा जाता है। अच्छा और कुछ है मतलब चीज़ें जिसकी वजह से एक्सपेंसिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। तो क्या मैं अपने व्यूअर्स को ये जो रूम है दिखा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साध भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया। इन्हें तो आपने देखा ही होगा हमारे मैगनम वाले ब्लॉग में। और जो ये तीसरा रूममेट है ये कहाँ गया है? ये हॉलीडे छुट्टियों पे गया। अच्छा वेकेशन पे गया हुआ। चलिए आपने कहीं छुट्टियों पे? नहीं नहीं हम तो अभी आए हैं, 11 जून को आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा। ये सीनियर भाई रहते थे हमारे साथ, हाँ। तो इसलिए वो छुट्टियों पे गए हुए, वो आ जाएंगे, उनकी फ्लाइट है 25 अगस्त की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आ रहे हैं। तो अच्छा तो क्या आप ही दिखा दीजिए व्यूअर्स को हमारे की क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीज है? ये बेड है लेके यहाँ पे। हाँ तो इस तरह ये शूज रैक है। इसमें आपने शूज क्यों नहीं रखा है? नहीं हो भाई, वो फिर रूम गंदा हो जाता है, इसलिए भाई भी साथ है। ठीक है शूज में सारे भाई। ये एक दूसरा बेड है, ये दूसरा बेड है, ये उसका शूज रैक हो गया, ये तीसरा बेड है, ये एक्चुअली ये इसका शूज रैक है, वो उसका है, ये इसका है। अच्छा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन बंदों के लिए तीन सो रैक दे रखी है और तीन बेड भी दे रखी है, ये काफी अच्छी चीज है यहाँ पे। और ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल है, इस पे खाना वगैरह खाते हैं। और ये स्टडी टेबल है।
अच्छा जी, ये स्टडी टेबल है जो आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं बंदों ने यहाँ वाईफाई भी लगा रखा है जी, वाईफाई, ये रूटर वगैरह बहुत बढ़िया, और ये पानी का कैन है यहाँ पे जी, है ना, पानी तो बहुत जरूरी है जीवन में। और यहाँ तो पानी, और ये क्या है, ये पेंट्री है ना, ये पेंट्री है, इसमें मतलब सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, क्या क्या रख रखा है आपने, लॉटी चोको पाए जो हमारे व्यूअर्स खाना चाहेंगे इसे। और ये कबर्ड है, इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, फिलहाल तो हम यूज कर रहे हैं जो भाई गए हुए हैं उनकी कबर्ड भी। वाह वाह, ये जी जी बिल्कुल, तो तीनों कबर्ड पे आपने कब्जा कर रखा है, दोनों कबर्ड पे। अभी तो इसी का मतलब है, जैसे भैया आ जाएंगे वो वापस इंडिया से, तो चलिए चलिए अब इसी तरह आ जाए आप। तो ये फ्रिज आपको प्रोवाइड कर रखी है क्या? जी जी, ये इसके ये मसला कि ये फ्रिज सिर्फ प्राइवेट है हमारी है, इसलिए यहाँ पे मतलब हम ही यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये बेनिफिट है, इसलिए एक्सपेंसिव भी है जी, हाँ इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैंने आपको हाँ, बोल दिया। तो ये खोल के दिखा सकते हैं जी जी, इसमें तो फिलहाल तो रखा कुछ नहीं है क्योंकि ये अभी इतनी यूज में नहीं है, उसके बाद आप आ जाए। ये हमारा वॉशरूम टॉयलेट, तो भाई कितना साफ रख रखा है, मिरर भी लगा हुआ है, ये देखो बिल्कुल साफ है। सो गाइस देख सकते हैं आप, मिरर भी लगा हुआ है यहाँ पे, और कितना साफ। आई थिंक ये सिर्फ हमारे ब्लॉक में लगा हुआ है मिरर, की टॉयलेट में मैंने और कहीं नहीं देखा। और कितना साफ है वॉशरूम आप देख ही सकते हैं। क्या है, मामा आते हैं, मामा आती है, वो डेली आती है, वो रूम भी साफ करती है, यहाँ तक के विंडोज भी साफ करती है। वाह यार, खुद, और इसीलिए, और ये बाथटब है ये भी, और ये कर्टन भी लगा हुआ है। अच्छा, इसी वजह से ये बाथटब भी हमारे ही। ओके, मतलब ज्यादा पैसा देने का फायदा हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो किचन का है। अच्छा, किचन हमारा अपना है, मतलब ये सिर्फ हम तीन लोग ही यूज करते हैं। वाओ, देख सकते हैं प्राइवेट चीज है, या इंडक्शन चीज हमें प्रोवाइड की हुई है, इंडक्शन है, ये बर्तन रखने के लिए जो रैक्स होते हैं वो है, ये देख सकते हैं, और ये बेसिन है जी, एंड डस्टबिन भी दे रखी है इन्होंने जो किचन में। बिल्कुल, और यहाँ से व्यू अगर आप देखें तो ये तो अभी नाइट का समय है, 11 बजे मैंने डिस्टर्ब किया बंदों को, सो सोच सकते हैं। ये ब्लॉक नजर आ रहा है, आई थिंक मेरे को तो पक्का लग रहा था भाई गालियां पड़ेंगी मेरे को। नहीं 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 भाई मैं बोलते हुए आ रहा। और ये देख सकते हैं आप जी जी, तो इसके बाद बस ये मतलब भाई यही है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, तो जो है एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे, और जो चीज है वो ये है कि इसका क्या मैं एक्चुअल कॉस्ट जान सकता हूँ? एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं पता, 6,000 to 700 एक्चुअल कॉस्ट आई थिंक, और 7,000 के रूबल, तो 6,000 कुछ रूबल्स है, मतलब 6,700 या 800 रूबल्स मान लीजिए, या 7,000 रूबल्स, हाँ, तो उसे आप अप्रोक्सीमेटली 7,000 रूबल्स भी मान सकते हैं। तो 7,000 रूबल्स में आपको यहाँ पे ये सुपर डिलक्स रूम, जिसपे आपको तीन बेड, उसके साथ तीन सू रैक्स, उसके साथ सेपरेट किचन, सेपरेट फ्रिज, तीन बंदों के लिए एक बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल फ्लैट सा सिस्टम आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो कवर की है, अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करें, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या वहीं बता दूंगा आपका। चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।